नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश सहित वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में संचालित आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले पर एक और जहां छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कई सवाल किए। कांग्रेस नेता ने लिखा, बनारस में आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा पर यौन आक्रमण हुआ है। कुछ देर पहले विश्वविद्यालय परिसर में उस छात्रा के साथ जोर जबरदस्ती और दिल दहला देने वाली हिंसा की गई है। निर्लज हमलावरों ने घटना का वीडियो भी बना लिया है। घटना के विरुद्ध आईआईटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा कि क्या अब बीएचयू परिसर और आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी सुरक्षित नहीं है? प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में एक छात्रा का अपने ही शिक्षण संस्थान के भीतर निर्भय होकर पैदल चलना क्या अब संभव नहीं रहा? धिक्कार है। उधर छात्रों के एक समूह ने बीएचयू प्रशासन से कुछ मांगे की हैं। उनका कहना है कि हमारी मांगे सामान्य हैं। बीएचयू के छात्रों ने मांग की है कि देर रात में बाहरी लोगों की गाड़ियां और उन्हें एंट्री ना दी जाए। पूरे कैंपस में सेंट्रलाइज्ड सीसीटीवी सिस्टम लगाया जाए। इसके अलावा सीसीटीवी इंफ्रा को भी बढ़ाया जाए। छात्रों की मांग है कि हालिया घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से कानूनी एक्शन लिया जाए। छात्रों के समूह द्वारा जारी किए गए मांग पत्र में दावा किया गया है कि आईआईटी बीएचयू की छात्रा के कपड़े फटे हुए थे और बाहरी लोगों ने उन्हें बंदूक के दम पर रोक रखा था। छात्रा का दावा है कि सभी आरोपी हैदराबाद गेट से फरार हो गए। छात्रों के समूह ने कहा कि वो 2 नवंबर 2023 की सुबह 10 बजे से आईआईटी बीएचयू के निदेशक के दफ्तर के बाहर आंदोलित हैं। मांगे ना माने जाने तक हम आंदोलन करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।